गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कल असी नवी पुरानी तहजीब के वन मार्क्स क्वेश्चन कर रहे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आजादी के समय केड़े की जाए ढोले पाए होंगे सर, खुशी दे ढोले लिख लो चाहे खुशी दे गीत लिख लो। आजादी दे समय केड़े गीत गाए जाते सन? ढोले गाए जाते सन। खुशी दे गीत या ढोले गाए जाते सन। नेक्स्ट लिखो। गरीबा दे घरां विच, गरीबा दे घरां विच जो रोशनी हुंदी है, हाँ गरीबा दे घरां विच जो रोशनी हुंदी है ओ सॉरी अमीरा दे घरां विच जो रोशनी हुंदी है वो किना दी लगती है? गरीबा दे नै गरीबा दिया अखां या नैना दी कड्डी हुई। अमीरा दे घरां विच केड़ी रोशनी हुंदी है ओ किना दी लगती है? गरीब मजदूरा दे नैना दी या उना दिया अखा दी? या दे अखा कड़िया या अखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पिछले वरियामा दे हुन सिर्फ की रह गए हन? पिछले पिछले वरियामा दे की रह गए हन? पिछले वरियामा दे की रह गए हन? नामे। पिछले वरियामा दे की रह ओ परछावे गबरूआं के दसदी आ नावे। पिछले वरियामा दे की रह गए हन? नावे। सिर्फ नाम ही रह गए, उन्हां दी गल्लां ही रह गईआं। ठीक है, ओ परछावे वाला क्वेश्चन सी बेटा। ओ सी अज कल दे गबरू तां परछावे रह गए हन, अजकल दे गबरू इस तरह लगते हैं कि उन्हां बहादुरां दे सिर्फ परछावे ही हुण। जिहड़े अजकल दे नौजवान है वह इस तरह लगता है कि वह पुरानी सभ्यता दे या पुराने नौजवानां दे सिर्फ परछावे ही लगते, असलियत नहीं है। अजकल दे नौजवान किस तरह लगते हैं? एक पुराने, ठीक है, पुराने बहादुर नौजवानां दे परछावे ही तरह लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पुरानी सभ्यता की देंदी सी? जीवन। पुरानी सभ्यता की देंदी सी? जीवन। जीवन देंदी सी। मैम आप बोल रहे हो साथ में ये बोल रहे हैं। पुरानी सभ्यता नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ बेला नहीं आंदा, हाथ फर्स्ट लाइन है, हाथ बेला नहीं आंदा डैश गया बाज गया बीत में छुड़ हाथ वेला नहीं आंदा डैश गया। आंसर है हथों जो गवाच। हाथ वेला नहीं आंदा डैश गया हथों जो गवाच। ब्लैंक पूरी करनी है।
हथ जोगवाज हां जी हाथ नहीं जो तो समा निकल जाता है वापस नहीं आता। हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन तहजीब गवाई नहीं दैश गवा ली लिखो क्वेश्चन है तहजीब गवाई नहीं दैश हाँ दैश गवा ली अकल नेक्स्ट है क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऋषियां दे चौंके विच की रह गया है जू भी रह सकते हैं ठीक है या पच्छम दी पच्छम वर्ड भी लिख सकते डैश आ गया पच्छम दी जू लिखो ऐसे बेटा बाद में क्वेश्चन पूर बेटा तो लास्ट टाइम भी दसा सी राइटर के बारे में आ ज्यादा नहीं सिर्फ राइटर का जन्म कद होया उन्हें केड़ी केड़ी बुक्स लिखिया ठीक है ते उन्होंने माता पिता का ते बच्चे उन्हें कोई अवार्ड मिला थे वो बुक में लिखे हुए हैं वो भी लिख कर दिया अंडरलाइन कर और बच्चों की बुक मतलब अपा मतलब क्यों था जिसने जब आप पहले ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਘਟੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਨਾ ਘਟੇ अनाले तीर
नवे निशाने होंगे की दशमेश अखबार गुरु गोबिंद सिंह जी कहने हैं ठीक है बंदा सिंह बहादुर होंगे की माता जी का क्या नाम था कविता ऐसा कुछ ना गया कोई भी कविता लिखी है किसी लिखी हुई है या कोई एक रचना नाम ठीक है मतलब जन्म माता पिता का नाम ठीक है बस इतना ही आएगा कविता पर ये वनमास क्वेश्चन थी नौ क्वेश्चन पर ठीक है वार्षिक वाला भी है उसी का थोड़ा टेस्ट है वनमास क्वेश्चन मुहावरे है एड़ापा ठीक है मुहावरे दे तुसी मुहावरे मुहावरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੈ ਊੜਾ ਪਾਗ ਐੜਾ ਪਾਗ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਹੇ ਤੱਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਊੜਾ ਪਾਗ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐੜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਈੜੀ ਜਾਂ ਸੱਸੇ ਜਾਂ ਆਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਥ ਵਿੱਚ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਂਥ ਵਿੱਚ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਾਈਨਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਆਹਾ ਪੰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜ ਭਾਗ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਣਾ ਅਰਥ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਐੜਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈਏ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈਣਾ ਮਤ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈਣਾ ਮਤ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਣਾ ਜੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇ ਅਰਥ ਦੋਨੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈਣਾ ਅਕਲ ਜਾਂ ਮਤ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਕ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਅੱਕ ਹਾਂ ਅੱਕ ਅੱਕ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 9th ਸਟੈਂਡਰਡ ਚ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 3rd 4th ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੇਖਣੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅੱਖ ਬਚਾਉਣੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵਾੜਦਾ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
या लिख सकते हो बेटा ओ पुराने कपड़िया नू बड़ा संभाल संभाल के रखती है, इस तरह लगता है कि वह अक् नू वार दे रही है, जा उसकी तो आदत ही है अक् नू वार देने की, भाव कि पुरानी चीजा कई लोगों की होंगी ना जी चीजा की सू लोड भी नहीं बड़े संभाल के रखते हैं। नेक्स्ट है अक् बचाणी शरण दे मारे सामने ही ना आना, अख बचाणी मतलब कि साइड तो निकल जाना भी टीचर मैं देख ना ले, हाँ अख आप अखा अखा नहीं बना ताकि टीचर देखे ही ना, हम तुम भी कई बार क्लास च करते हो ठीक है इधर उधर छुप जाते हो कि गलती पता है मेरी है, अख बचाणी शरण दे सामने मतलब कि मारे सामने ना आना, या जो उसका पुत्र नशे करता होया जो नशे वेचता होया फड़िया गया तो वह अख बचाण लग गया, सामने नहीं आया जबकि पता नशे करता फड़िया गया। नेक्स्ट है अख मारनी इशारा करना, ठीक है उसने मैनू अख मार के गया कि तू मैनू इस क्वेश्चन का आंसर दस दे। नेक्स्ट है अख पुटनी होश भी आना, अख पुटनी अख पुटनी होश भी आना, वह बहुत दिन तो बेहोश सी या बीमार होने कारण वो जो कि बेहोश सी ठीक है, कल ही उसकी तबीयत ठीक हुई है ते ओ उसनू जड़ी की है उसने अपनी अख फुट ली है। नेक्स्ट है अख लाउनी मतलब सो जाना, अख लाउनी सो जाना ठीक है, काफी थकावट होने कारण उसकी पर्दे पर्दे ही अख लग गई, या काफी थकावट होने कारण वह पर्दे पर्दे जो कि बैठे बैठे ही उसकी अख लग गई। नेक्स्ट है अखा उत्ते बिठाना, बहुत रिस्पैक्ट करनी बहुत आदर कार करना ठीक है, पंजाबी लोग घर आए पंजाबी लोग घर आए मेहमाना अखा ते बिठाते हैं। नेक्स्ट है अखा अगे सरों फुलनी, घबरा जाना डर जाना ठीक है सहम जाना कोई भी अर्थ आ सकता है, घबरा जाना भी आ सकता है डर जाना भी आ सकता है सहम जाना, जो मैं अचानक अपने सामने सप नू देखिया तो मेरिया अखा अगे सरों फुल गई। नेक्स्ट है अखा पक जानिया उड़ीक उड़ीक के थक जाना ठीक है, जो दा मेरा पुत्र विदेश गया है तो मेरी माँ दियां अखा जिहड़ी की है पक गई हाँ जो दा मेरा भरा विदेश गया है। नेक्स्ट है अख मटकाना नखरे करना, अख मटकाना नखरे करना ठीक है, कुछ बच्चिया की तो आदत ही होंगी है अख मटकाउन की। नेक्स्ट है अखा विच चर्बी आनी, हंकार हो जाना, अखा विच चर्बी आनी हंकार हो जाना ठीक है, जो दा उसका पुत्र विदेश गया है उस दी अखा विच चर्बी आ गई है, अखा मीट जाना मर जाना ठीक है, कल ही उसके दुर्घटना विच उसके चाचा जी अखा मीट गए हैं, अखा फेर लेनिया मित्रता छड़ देनी या साथ छड़ देना दोनों आ सकते, अखा फेर लेनिया मित्रता छड़ देनी ठीक है, जिहड़े लालच स्वार्थी मित्र हुंदे हन उह समां आउंदे अखा अखा फेर लैंदे हन। नेक्स्ट है अखा विच रात कढ़नी जागदे रहना, अखा विच रात कढ़नी जागदे रहना ठीक है, पेपर होण कारण या इम्तिहान होण कारण उसने अखा विच रात कढ़ी ठीक है जागदे आ रहा, मतलब कई बच्चे नूं आदत हुंदी रात नूं जाग के पढ़न दी। नेक्स्ट है अखा विच रड़कना बुरा लगना, अखा रड़कना बुरा लगना, जो दी उसने मेरी कॉपी खराब की है तो मेरिया अखा भी रड़क रहा है। नेक्स्ट है अखा विखाना डरावना, अखा विखाना डरावना। नेक्स्ट है अग दे भा होना बहुत महंगा होना, अजकल हर चीज अग दे भा है। नेक्स्ट है अग्गा सवारना पर लोग सवारना, अग्गा सवारना पर लोग सवारना, सानू चंगे काम करने चाहिए हैं अपना अग्गा सवारना चाहिए है। नेक्स्ट है अगे ला लेना हरा देना, अगे ला लेना हरा देना, साड़ी टीम ने विरोधी टीम नू अगे ला लिया, अजकल करना टालना या टाल मटोल करना ठीक है, एतक बेटा मुहावरे दे कल तुहानू एतक ही आणगे 20 वन मार्क्स क्वेश्चन ते 20।